हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हो गया इवनिंग का टाइम, तो आज मैं ना डिनर जल्दी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि पता है फिर मुझे बहुत आलस आती है, बहुत ज़्यादा, एकदम से थकी हुई रहती हूँ ना, तो लेट जाती हूँ तो नींद सी आने लगती है, आलस आने लगती है। तो मैं सोची चलो आज डिनर पहले रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद लेटूंगी। इन लोग पढ़ाई करेगा अपना और मैं भी साथ में लेटूंगी और इन लोग बैठ के पढ़ेगा। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ऑफिस से आने के बाद, बिल्कुल इच्छा नहीं करता है खाना बनाने का। इन लोग का तो नहीं बनाऊँ तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगा, बट मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि बस दो रोटी ही खाओ, बट खाओ रोटी तो खानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, तो यहाँ पे देख सकते हैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ। अब आप सोच रहे हो इतना कम भिंडी, तो बता दूँ मुश्किल से 100 सिंह इतना खाएंगे, वो भी ज़बरदस्ती डर से खाएंगे। इतना सौम्या खाएगी और इतना मैं खाऊँगी, और साथ के साथ मैं दाल बना रही हूँ। तो आज बनेगा दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी, यानी बहुत टेस्टी लगती है। सरसों लहसुन वाली भिंडी बहुत अच्छी लगती है। लड़ो सीटी कंटिन्यू आते रहेगी इसमें से, हमारा मस्त वाली भिंडी फ्राई हो गया है और कितना कम है और कम तेल में, तेल ज़्यादा लग रहा है, भिंडी कम लग रही है, गर्मी भी बहुत लग रहा है। मेरे लाडो का मुंह बना हुआ है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लाडो? क्या वो ठंडे है तो मैं क्या करूँ? तो तुम भी चीज लेकर जाना, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? मम्मा भी जिंदा है, मर नहीं गई, टेंशन मत लो। बस मैं डांटती हूँ पढ़ाई करने के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। पढ़ाई करके दोगे मैं खुश होऊंगी और अच्छे से करूँगी, बट हाँ पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि मम्मा पूरे दिन पागल की तरह अपना दौड़ भाग करे और सारा काम करे कि बाल बच्चा पढ़े और बाल बच्चा उसे टाइम पास करें, तो फिर ये तो बर्दाश्त नहीं है बेटा। अरे भैया कम से कम 100 किलो की है ये तो मेरे से उठ भी नहीं पाती है टमाटम टमाटम बनाती है खजूर चोटी, क्या क्या बनाती है, एक बीटी मेरा बाल बाल छूटी रहती है। मैम पढ़ाती हैं, इतनी छोटी बनाती हैं, नई राइटिंग लिखवाती हैं ना, मेरे लिए वो करवाती हैं। ठीक है, रिवीजन भी किया करो, बुक्स वगैरह जितना काम हो गया है ना, रिवीजन भी किया करो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि भिंडी हमारा फ्राई हो गया है, इसमें डाल दूंगी मसाले जिसमें डाली थी सरसों लहसुन, दो लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा, धनिया। मसाला ही ज़्यादा हो गया भिंडी से, तो दिखाऊँ आप लोगों को, रुको देखो भिंडी से ज़्यादा मसाला ही हो गया इसमें। थोड़ी सी सब्जी में ना बहुत दिक्कत होती है। अब रात हो गई, हमने कहाँ से? तो चलिए पहले बना लेते हैं भिंडी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। सारे कहाँ गए? कितना टाइम हो गया? 7 बज गया। लो आप लोग से एक बात बताऊं, मॉर्निंग में जब मेरा ऑफिस जाने का टाइम होता है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे
अचानक से बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है और इनकी यादें बहुत आती है, क्योंकि थे तो मुझे यूँ टेंशन होता था कि लंच बनाना है, लंच बना के देना है, लंच में क्या दूँ, और खुद के लिए अब दो रोटी टिफिन पैक करके ले जाना, और मतलब आलस की आती है, घर का भी पूरा काम करो, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजो, तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा मतलब हट होता है कि भगवान इतनी छोटी सी उम्र में सारा चीज़ दिखा दिए मुझे, है ना। सहन शक्ति मेरा स्ट्रांग है ये मैं भी समझती हूँ, और क्यों स्ट्रांग है ये भी आप लोग को बता दूँ, इनका देन है कि मैं आज इतनी स्ट्रांग हूँ। आज अगर मेरे हस्बैंड इतने अच्छे नहीं मिलते तो शायद मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि भाई जिस घर में मैं पैदा हुई थी उस घर में ऐसा कुछ नहीं था कि हमें बहुत ज़्यादा छूट मिले या इतना फ्रैंक रहूँ, किसी से बातें करूँ, किसी के साथ बोलूँ मिलूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा एक दबाव के साथ, जो कहा जाता है ना, बहुत ज़्यादा दबाव के साथ हमारी लाइफ थी। बट एक हस्बैंड इतने अच्छे मिले, इतने अच्छे मिले कि मुझे एकदम से खोल देना, खोल दिए मुझे। इस वजह से ही आज इतनी स्ट्रांग हूँ। पर स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं भगवान कि आप इतना सजा दो, ठीक है लेडीज स्ट्रांग है, इन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया, बट ऐसा सजा राम जी किसी को भी मत देना जो मुझे दिए, किसी को भी मत देना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। आया नहीं तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, पहले खाना बना लूँ। ओके, बहुत गर्मी हो रही है गाइस, बहुत। यहाँ तो हो गया मॉर्निंग का टाइम और मैं रात में इधर उधर करके सो गई थी, पता ही है आप लोगों को मैं कितना थक जाती हूँ, तो उसके बाद कुछ इच्छा नहीं किया, मैं सो गई। और यहाँ पे देख सकते हो अभी चाय बनाई हूँ, आलू सॉरी आटा पिसा हुआ है, थोड़ा सा आलू की टिक्की बनी हुई है। इन लोग को आज है फंडे, तो इन लोग लेकर जा रहे हैं चीज वगैरह, क्या ले जा रहे हैं, चार चार चीज लेके आए हैं, कुरकुरे लेज बिस्किट और बॉन्सर बिस्किट। अभी दूध दिन इन लोग को गर्म करके, अब इन लोग का टाइम हो रहा है होम ड्रेस में जाना है, घर का ड्रेस में जाना है, चाय कटोरी मिली हूँ, ग्लास नहीं मिल रहा है, पता नहीं दो गिलास में दो को नहीं होगा, एक गिलास और था वो मुझे नहीं मिल रहा था। चाय तो चाय पीली बहुत तबियत ठीक नहीं लग रही है आज, पता नहीं बाल भी देखो अच्छा है, थोड़ा हवा चल रहा है। भाई बच्चे फैंटे गए हैं स्कूल, अब मैं चाय पी हूँ, चाय बना पीकर सॉरी कुछ भी बोल देती हूँ यार, चाय पीकर और थोड़ा बहुत कुछ खाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं भी ड्यूटी ड्यूटी आऊँगी, तो इस वजह से खाना बना दूँगी, क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर खा लेंगे, क्योंकि चीज़ ही तो लेकर गए हैं और दूध पीकर गए हैं, ऐसे बताती थी तो रोटी खा कर जाते थे, दूध पीकर जाते थे, रोटी लेकर जाते थे, बट जल्दी आ जाएंगे, 10 बजे आ जाएंगे, मैं खाना बना दूँगी और 10 बजे मैं खुद निकलती हूँ, तो उस टाइम तक आ जाएंगे वो दोनों। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी गाइस, मिलूंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, और बस आप लोग अपना सपोर्ट और दुलार और प्यार दीजिए। और एक भाई कंगल कमेंट आया था, पता नहीं मेरे से किस चीज़ का खुन्नक था, इसका वीडियो कोई नहीं देखना भाई प्लीज, भाई ना तेरे कहने से कोई देखने वाला, ना तेरे कहने से कोई ना देखने वाला, जिसे हमारी वीडियो अच्छी लगती है वो देखेंगे, जिनको नहीं अच्छी लगती है वो नहीं देखते हैं, तो आपको कहने से कुछ नहीं होने वाला है ना। कटोरी में चाय ठंडी हो गई है, चलिए ठंडी, बाय बाय।